नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। JIIEI एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है कला शिल्प से सर्वांगीण विकास। केस स्टडी शुरू करने से पहले हम JIIEI का परिचय जान लेते हैं। JIIEI शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। तो चलिए इस केस स्टडी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। अगर आप विद्यार्थी को रचनात्मक एवं नवाचारी बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उसमें पाठ्येतर विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में अनेक पक्ष शामिल होते हैं, जिनमें से कला और शिल्प भी एक है। कलात्मक अभिरुचि जागृत होने और उसमें भागीदारी करने या लीन रहने पर विद्यार्थियों का मस्तिष्क तीव्र गति से काम करने लगता है। कला और शिल्प में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थी समस्याओं के हल तलाश करने में अधिक कुशाग्र होते हैं। वहीं उनके अंदर विचारों के आदान प्रदान के साथ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता मुखर होती है। अनुशासन, आत्मसम्मान, व्यवस्थापन सहित अनेक गुण उसमें विकसित होते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। इसलिए परम आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास के साथ अवलोकनात्मक दक्षताओं में गुणात्मक वृद्धि के लिए नियमित रूप से कलात्मक गतिविधियों को संचालित करें। तो चलिए अब हम इस केस स्टडी के क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बच्चों, मधु कहाँ है? और सोनल भी आजकल स्कूल में दिखाई नहीं दे रही है। इन विद्यार्थियों के घर जाकर ही पता करना होगा। माताजी, आजकल सोनल स्कूल नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? आजकल घर में बहुत से काम है तो सोनल मेरे घर के काम में मदद कर रही है। इसी कारण आजकल मैं सोनल को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। घर पर रहने से सोनल की स्कूल की पढ़ाई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल से क्या होगा, उसको तो घर के ही काम करने हैं और स्कूल जाने से उसको घर से जुड़े काम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है, स्कूल जाने से सोनल का बौद्धिक विकास अच्छे से होगा, जिससे वह घर के काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि सोनल के स्कूल जाने से सोनल के घर के काम करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे बालिकाएं स्कूल में आना आरंभ कर दें और उनके अभिभावकों को भी उनको स्कूल भेजने में खुशी का अनुभव हो। हम सभी कक्षा में मिलकर कुछ कलात्मक गतिविधियों द्वारा आवश्यक तथा मनोहर वस्तुओं का निर्माण करेंगे। क्या आप सभी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं मास्टर जी, मुझे तो बड़ा मजा आता है मनोहर और सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण करके अपने घर को सजाने में। उसके लिए कल घर से सभी विद्यार्थियों को कुछ वस्तुएं लेकर आनी होगी, जैसे कि कुछ पुरानी बोतल, काली माचिस की डिब्बियां, कुछ पुराने अखबार, माचिस की तीलियां, कुछ चूड़ियां, थोड़ी सी रुई, कुछ घर में पड़े हुए पुराने बटन आदि। यह सब तो मेरे घर पर आराम से मिल जाएगा। मैं आज घर जाकर यह सभी वस्तुएं एकत्रित कर लूंगी। दूसरे दिन स्कूल के शिक्षक सभी विद्यार्थियों से सवाल करता हुआ, क्या आप सभी विद्यार्थी घर से वे सभी वस्तुएं लेकर आए हैं जो मैंने कल आपको लाने के लिए कहा था? हम सभी वस्तुएं घर से लाए हैं जो आपने कल लाने के लिए कहा था। चलो कुछ सुंदर और उपयोगी चीजों का निर्माण करते हैं। आओ इन प्लास्टिक की बोतलों से पेंसिल स्टैंड और इन अखबारों की सहायता से बास्केट का निर्माण करते हैं। मैं आप सभी को एक एक करके यह वस्तुएं बनाना बताता हूँ। उसके पश्चात आप सभी मिलजुल कर जो भी वस्तु आपको अच्छी लगे उसको बनाने का प्रयास करना। मास्टर जी, प्लास्टिक की बोतल से पेन स्टैंड बनाने में बहुत मजा आ रहा है, परंतु इस नीली पट्टी की जगह
यहाँ पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाए तथा इसकी आंखें थोड़ी गोल और बड़ी बनाई जाए तो यह और भी सुंदर दिखेगा। वाह कृतिका, देखो इस कला शिल्प को अपनाने से तुम्हारे बौद्धिक विकास के साथ साथ अवलोकनात्मक दक्षताओं में भी वृद्धि हो रही है। मास्टर जी, जब मैं घर पर अपनी माँ के साथ रंग बिरंगी चीजें बनाती हूँ तब मेरी माँ भी कहती है कि मेरा मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करता है और साथ ही कौन सी वस्तुओं के प्रयोग करने से वस्तु और सुंदर बन सकती है इसकी तुलना भी भली भांति कर पाती हूँ। हाँ, कलात्मक अभिरुचि जागृत होने और उसमें भागीदारी करने से विद्यार्थियों का मस्तिष्क तीव्र गति से काम करता है। वाह, हम सभी के द्वारा बनाए गए पेंसिल स्टैंड तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम सभी के द्वारा अखबारों की सहायता से बनाए गए बास्केट भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। हम इन प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों की सहायता से सुंदर गमले भी तैयार कर सकते हैं। मास्टर जी, हम इन प्लास्टिक के गमलों को सुंदर रंगों के द्वारा सुसज्जित भी कर सकते हैं। हाँ, सही कहा रोहन तुमने। यह देखो, मैंने एक गमला प्लास्टिक की बोतल की सहायता से तैयार किया है और इनको रंगों की सहायता से सुसज्जित भी किया है। वाह मास्टर जी, यह तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलो हम सब भी ऐसे गमले का निर्माण करते हैं। वाह, आप सभी विद्यार्थियों ने मिलकर कितनी सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया है। क्यों ना इन सभी वस्तुओं को स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में रखा जाए। सही कहा मास्टर जी, बड़ा मजा आएगा और उस प्रदर्शनी में हम सभी अपने माता-पिता को भी बुलाएंगे। देखो विद्यार्थियों, इस कार्यशाला में ज्यादातर भीड़ आप लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की ओर से ही दिखाई दे रही है। मास्टर जी देखिए, मीरा की माता जी हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं को कितने ध्यान से देख रही हैं। सही कहा सोनल तुमने, मैं भी यही देख रहा था। रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। अरे मास्टर जी, कैसे हैं आप? आपके सभी विद्यार्थियों ने तो बहुत ही सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया है जो कि घर के लिए बहुत ही उपयोगी और मनभावक भी लग रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मीरा को स्कूल भेजने से उसके अंदर रचनात्मक, कलात्मक तथा तुलनात्मक बदलाव आएंगे। आप सही कह रहे हैं मास्टर जी, मैं कल से मीरा को रोज स्कूल भेजूंगी। सही कहा मीरा की माँ, मुझे भी लगता है कि हम सबको अपनी बालिकाओं को रोज स्कूल भेजना चाहिए। इससे हम सभी की बालिकाओं में व्यक्तिगत एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ अवलोकनात्मक दक्षताओं में भी वृद्धि होगी जिससे वह हमारे घर की काम में भली भांति मदद भी कर पाएंगी। अब आप सभी सही रूप से समझ पा रहे हो कि क्यों बालिकाओं का शिक्षा ग्रहण करना और नियमित रूप से स्कूल आना आवश्यक है। मास्टर जी, अब हम सभी माताएं अपनी बालिकाओं को नियमित रूप से स्कूल भेजेंगे। एक सप्ताह के बाद स्कूल में बालिकाओं की संख्या पिछले दिनों से काफी अधिक देखकर शिक्षक विचार करते हैं कि कला और शिल्पकारिता को प्राथमिक शिक्षण में सम्मिलित करने से अभिभावकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। क्यों न इस विधि द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराई जाए। सुनो विद्यार्थियों, अब से सभी के लिए हर सप्ताह स्कूल में एक कार्यशाला रखी जाएगी जिसमें आप सभी अनेक प्रकार के शिल्प कला से जुड़े पहलुओं को सीखकर अपने निजी जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वाह मास्टर जी, तब तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक एक कुम्हार से बात करते हुए, कुम्हार चाचा, क्या आप हमारे स्कूल में हो रही कार्यशाला में आकर विद्यार्थियों को मिट्टी के प्रयोग से उपयोगी वस्तुओं को बनाना सिखाएंगे? क्यों नहीं, मैं जरूर सिखाऊंगा। इससे बच्चों को अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, आज की कार्यशाला में कुम्हार चाचा आपको मिट्टी के प्रयोग से अनेक लाभकारी वस्तुओं का निर्माण करना सिखाएंगे। वाह, आज तो बड़ा ही मजा आएगा। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है। सभी विद्यार्थी बड़ी उत्सुकता से मिट्टी के सभी विद्यार्थी बड़ी उत्सुक सभी विद्यार्थी बड़ी ही उत्सुकता से मिट्टी से निर्मित उपयोगी वस्तुओं के निर्माण को सीखते हैं और इन उपयोगी वस्तुओं को घर लेकर जाते हैं। देखो माँ, आज हमारी स्कूल की कार्यशाला में कुम्हार चाचा ने हमें कितने सुंदर मिट्टी के बर्तन तथा गमले बनाना सिखाया है। वाह, ये तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं
और हमारी रसोई के भी काम आएंगे। मीरा, तुम्हारे स्कूल जाने से तो बड़ा ही लाभ हो रहा है, तुम शिक्षा के साथ साथ बहुत सी उपयोगी वस्तु भी सीख रही हो। माँ, आप भी तो कपड़े की सिलाई कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से करती हो, आप क्यों नहीं हमारी स्कूल की अगली कार्यशाला में हम सबको सिलाई कढ़ाई का कार्य सिखाने आती? बात तो तुम सही कह रही हो मीरा, अगर तुम्हारे मास्टर जी इस बात की अनुमति देते हैं तो मैं अवश्य अगली कार्यशाला में आकर सभी विद्यार्थियों को ये कार्य सिखाना चाहूंगी। तुम कल अपने मास्टर जी से पूछ कर आना। ठीक है माँ, मैं कल मास्टर जी से पूछ कर आऊंगी। चलो अब मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मास्टर जी, अगली कार्यशाला में मेरी माता जी हम सबको सिलाई कढ़ाई से निर्मित कार्य को सिखाना चाहती हैं, क्या मैं ये कार्य कर सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अगली कार्यशाला में मीरा की माँ आप सभी विद्यार्थियों को सिलाई कढ़ाई से निर्मित कार्य को सिखाएंगी। मास्टर जी, मुझे तो सिलाई कढ़ाई बहुत ही पसंद है, मैं तो जरूर आऊंगी उस दिन। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि सभी कपड़ों की सिलाई करके उसको किस प्रकार कढ़ाई द्वारा सुंदर बना सकते हैं। अरे वाह, आपने तो बड़ा बैग तैयार करवाया है, इसमें तो अपनी स्कूल की किताबें भी रखकर ला सकती हूँ। अभी हम इस बैग को कढ़ाई द्वारा और भी सुंदर बना सकते हैं। चलो इस बैग को कढ़ाई द्वारा और आकर्षक बनाते हैं। अरे वाह, देखो मेरा बैग कढ़ाई करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। मेरी माँ इस बैग को देखकर बहुत ही खुश होगी। मीरा की माता जी आपका धन्यवाद, कार्यशाला में आकर इन बालिकाओं को इतनी सुंदर वस्तुओं का निर्माण करने का ज्ञान देने के लिए। मेरी माँ तथा दादी भी बहुत खुश होगी मेरे द्वारा तैयार किए गए इस बैग को देखकर। आप मुझे धन्यवाद न बोले मास्टर जी, आपने ही मुझे ज्ञान दिया था कि बालिकाओं के नियमित स्कूल आने से उनके व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास में मदद मिलती है। अब मुझे भी लगता है कि कला और शिल्पकारिता द्वारा बच्चों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मुझे सुनकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं अभिभावकों को काफी हद तक समझाने में कारगर हुआ। सभी विद्यार्थी कार्यशाला में सिलाई और कढ़ाई द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अपने घर में ले जाकर अपने अपने अभिभावकों को दिखाते हैं। माँ देखो, आज मैंने स्कूल की कार्यशाला में सिलाई और कढ़ाई द्वारा यह बैग बनाया है। अरे यह तो बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, तुम्हारे नियमित स्कूल जाने से तुम्हारे अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। देखो आज मैंने स्कूल की कार्यशाला से क्या सीखा, मैं अब इसी बैग को स्कूल लेकर जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है तुमने, अब तुम अपनी किताबें इसी बैग में रखकर स्कूल जाना और मेरे लिए भी एक सुंदर सा बैग बनाना। तुम्हारे नियमित स्कूल जाने से शिक्षा के साथ साथ तुम्हारी कलात्मक प्रतिभा भी बढ़ रही है। कला शिल्प से जुड़ी कार्यशाला को रखने से विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के मन में भी कला शिल्प के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है। इस कारण अब स्कूल में बालिकाओं की उपस्थिति भी पहले से बहुत अधिक हो गई है। ऐसे में मानना पड़ेगा कि बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कला शिल्प द्वारा शिक्षण विधि बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसी तरह के अन्य दिलचस्प केस स्टडी के कक्षा प्रयोग हेतु आप JIIEI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।